भारतीय रेलवे द्वारा कोरोना वायरस की इस महामारी के दौरान आवश्यक सामग्री की निर्बाध आपूर्ति हेतु देश भर में मालगाड़ियों का संचालन निर्बाध रूप से किया गया और अब इस मुहिम को हम और आगे छेड़ते हुए कोशिश कर रहे हैं कि मालगाड़ियों का जो संचालन है वो बहुत ही स्मूथ तरीके से चल सके। जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और जो ट्रेडर्स हैं और जो जो मालगाड़ी में बुकिंग करते हैं अपने माल की, उनको किसी प्रकार की समस्या ना हो। इस प्रयास में हमने काफ़ी सारे एफर्ट्स किए हैं। हमने मालगाड़ियों की जो औसत स्पीड थी, एवरेज स्पीड थी, वो जहां अप्रैल में 26 किलोमीटर प्रति घंटा के आसपास हुआ करती थी उत्तर पश्चिम रेलवे में, वो अब बढ़कर 45 किलोमीटर प्रति घंटा से ज़्यादा हो गई है। चूँकि अभी जो पैसेंजर ट्रेनें हैं उनका संचालन काफ़ी कम हो रहा है, इस वजह से हमने विशेष ध्यान दिया है कि मालगाड़ियों की स्पीड को बढ़ाया जा सके। तो एक बहुत बड़ी एक जंप है जो एवरेज स्पीड है मालगाड़ियों की उसमें। इसके अलावा हमने डिवीजन लेवल पर और हेडक्वार्टर लेवल पर BDU यानी कि बिजनेस डेवलपमेंट यूनिट्स का भी गठन किया है, और डिवीजनल लेवल पर जो सीनियर डिवीजनल ऑपरेशंस मैनेजर हैं और जो हमारे जोनल लेवल पर चीफ फ्रेट ट्रैफिक मैनेजर हैं, इन दोनों लेवल्स पर नए नए अवसर ढूंढे जाएंगे माल भाड़ा जो आए हैं रेलवे की उसको बढ़ाने के लिए, और जो हमारे इंडस्ट्रीज़ हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा रेलवे की रेक सप्लाई हो सकें और निर्बाध रूप से हो सकें, इसके लिए प्रयास किए जाएंगे और तरीके ढूंढे जाएंगे। रेलवे बोर्ड द्वारा बहुत सारे फ्रेट इंसेंटिव स्कीम्स भी निकाले गए हैं, जिसके तहत जो माल भाड़ा यानी कि फ्रेट जो हमारी ट्रेन्स हैं, माल गुड्स ट्रेन्स हैं, उसमें जो लोग बुकिंग करते हैं उनको अलग अलग तरह के इंसेंटिव दिए जा रहे हैं, ताकि एक तो उनको जो माल भाड़ा है वो कम देना पड़े और साथ ही साथ जो है इनोवेटिव तरीके से उनको जिस प्रकार से उनको रेक्स की सप्लाई चाहिए उस प्रकार से हो सके।